दिल्ली सहित पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिरों में विभिन्न प्रकार की झांकियां बनाई गई तो कहीं छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर नाच गाकर लोगों का मन मोह लिया। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइन भी देखने को मिली। मंदिरों में भक्तों के साथ ही स्थानीय पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने भी अपने वार्ड 8 के ई ब्लॉक मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया। मंदिर में बच्चों ने दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया। बात करें दिल्ली के पंजाब बाग स्थित जन्माष्टमी पार्क की तो यहाँ पर पूरे भव्य रूप से विभिन्न प्रकार की झांकियां बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही अभी हाल ही की चांद पर कदम रखने वाले चंद्रयान की झांकी। साथ ही G20 में पूरी दुनिया से आने वाले विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी झांकी देखने को मिली। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज है। मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। मटकी फोड़ 5-6 साल हुए लगातार 5-6 साल से। मटकी फोड़ कार्यक्रम में लोग बाहर से भी आते हैं सारे लोग अपने यहीं पर? नहीं, कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ ज़्यादातर यहीं के रहते हैं, पर थोड़े बहुत बंच बाहर से भी आते हैं। अधिकतर मटकी कौन फोड़ता है? अधिकतर मटकी एक दो हम ही फोड़ते हैं, बाकी यार दोस्त मिल बांट के फोड़ लेते हैं। अभी 2 साल से कंटिन्यू में फोड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमन, बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले मटकी फोड़ी कभी? हाँ, 5-6 बार यहीं पे फोड़ी है। कैसा मजा आया? बहुत मजा आया।